بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to my channel Rakshik Ideas Subscribe to watch it more भाई ये कराची यूनिवर्सिटी की गर्ल हॉस्टल है भाई ये सिंगल रूम में इनका छोटा सा दो दिन से बाहर हुए हैं कराची वाले किसी काम के लिए एक हॉस्टल नहीं ढूंढ सकते ये देखें जी कितना गंदा रूम और ये गर्ल्स हॉस्टल है अपार्टमेंट है क्या है समझ नहीं आ रहा ये दूसरा फ्लोर है भाई ये फ्री है आपका अभी भाई एक ये अपार्टमेंट है जहाँ पे आपको हॉस्टल मिल सकती है ये भी पूरा अभी हॉस्टल है जो पंजो है जो पर ये बरसा की भी बिरा था वो भी नहीं पहन दिया ये वाला रूम खाली है भाई गर्ल हॉस्टल तो नहीं मिली लेकिन हमें लगी भूख और पेट पूजा करने आ गए अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स सब कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक होंगे मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ हम लोग जी इस वक्त मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और आए हैं गर्ल हॉस्टल सर्च करने के लिए यहाँ की हॉस्टल में रूम देखने के लिए हमारी एक बच्ची के लिए चाहिए मेरी नीस के लिए एक रूम चाहिए ये है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ भाई पढ़ते थे 20 साल पहले मैं आई थी भाई के साथ और अब बहुत चेंज हो चुका है और ये है IBA यूनिवर्सिटी जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है और इसका भी बहुत स्कोप है भाई आजकल IBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको बहुत हाई स्कोर की ज़रूरत होती है बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती है बहरहाल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है साफ़ सुथरा और आज मौसम भी बहुत अच्छा है बारिश वाला मौसम है भाई कराची का आज से कुछ दिनों से ज़बरदस्त मौसम चल रहा है बहुत चेंज हो चुकी है कराची यूनिवर्सिटी इसी बहाने हम लोग कराची यूनिवर्सिटी का भी विजिट कर रहे हैं भाई इतने सालों बाद और ये देखें जी बहुत साफ़ सुथरा और अलग अलग अपार्टमेंट है यहाँ पे भाई हम लोग जो है ना हॉस्टल सर्च करने जा रहे हैं इस्लामाबाद कराची का नया प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कवर किया भाई बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है भाई कराची का कुछ दिनों से और ये देखें जी ये है विजिटिंग फैकल्टी और हॉस्टल आई थिंक आगे होगा और ये लें जी पहुंच गए हम लोग गर्ल्स हॉस्टल और यहाँ पे अंदर जाएंगे मालूमात लेंगे पहले बाहर का दिखाते हैं ऐसे लग रहा है जैसे हम इस्लामाबाद पहुंच गए हो क्योंकि पूरा ग्रीन है और जबरदस्त लग रहा है आज मौसम भी बहुत जबरदस्त है तो पूरा भाई ग्रीन फुल ग्रीन है भाई कराची ऐसा होना पूरा कराची इस तरह से ग्रीन होना तो मज़ा ही आ जाए भाई ये है मेरा नेफ्यू जो मुझे कह रहा है कि इधर चलो वो इधर चलते हैं यहाँ से वॉक करके आते हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ये लोग यहीं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रात देर तक यहाँ पे होते थे कभी कभी तो कहते थे इस साइड बहुत अंधेरा होता है रात के टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा होता है चलें जी अंदर हॉस्टल से मालूम करते हैं कि रूम अवेलेबल है या नहीं भाई ये कराची यूनिवर्सिटी की गर्ल हॉस्टल है ज़बरदस्त मैं भी रहने आ रही हूँ भाई यहाँ पे भाई मालूमात ये मिली कि रूम तो अवेलेबल हैं लेकिन वो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है तो आउटसाइडर अलाउ नहीं है तो हम लोग आ गए विजिटर फैकल्टी हॉस्टल और यहाँ से कुछ पता चला है कि शायद यहाँ पे अवेलेबल हो ये है हमारा प्यारा प्यारा कराची यूनिवर्सिटी है बहुत पहले आए थे जब पेपर से ये थे यहाँ से अब आई हूँ मैं इतने सालों बाद भाई यहाँ पे तो रूम अवेलेबल नहीं था किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइएगा ये हम लोग निकल के आ गए अब आगे देखते हैं एक दो और हॉस्टल का पता चला है जो कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं तो देखते हैं आपको भी उनका विजिट करवाते हैं कि देखें कराची के प्राइवेट हॉस्टल्स का क्या हाल है और कैसी हैं भाई एक ये अपार्टमेंट है जहाँ पे आपको हॉस्टल मिल सकती है अभी चेक करने जा रहे हैं हम लोग अच्छा अपार्टमेंट बना हुआ है भाई यहाँ पर जी एक अपार्टमेंट है जहाँ पर लड़कियाँ मिलके रहती हैं एक हॉस्टल की तरह से एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके चार पांच लड़कियाँ मिलके आपस में रहती हैं तो हम लोग ये देखने आए हैं कहीं से पता चला था ये इनका एक रूम है छोटा सा जिसमें दो लड़कियाँ रह सकती हैं तो ये इनका अभी फ्री है अवेलेबल है तो हमने कहा हम लोग चेक कर लें विजिट कर लें और ये इनका बुक हुआ हुआ है दो लड़कियाँ ऑलरेडी रहती हैं जो मेडिकल की स्टूडेंट है और ये भी इनका रिजर्व्ड है 27,000 एक बेड के पर मंथ चार्जेस हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर फ्री हैं ये कुछ हमें समझ में आया लेकिन अभी हमें एक प्रॉपर हॉस्टल का पता चला है जो कि प्राइवेट हॉस्टल है और डिफेंस की साइड है डिफेंस एक्सटेंशन टू इकरा यूनिवर्सिटी के साथ ही अंदर ये बना हुआ है मेन इकरा यूनिवर्सिटी डिफेंस कैंपस जो है उसी के साथ ही है
इकरा यूनिवर्सिटी एंड होने के साथ ही जो स्ट्रेट आएगी उसमें लेफ्ट रन करेंगे तो आप आगे आएंगे, ये देखेंगे ये इस तरह से अंदर जाने का रास्ता है और ये माहौल होगा। लेकिन हॉस्टल के रिव्यूज़ बहुत बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोगों ने तारीफ की है कि आप यहाँ जाएं, ये हॉस्टल बेस्ट है। जो यहाँ पर लेके आई हैं लड़कियाँ उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो भाई चल के देखते हैं ये हॉस्टल कैसी है, यहाँ पे रूम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारी बच्ची यहाँ पे सेफ रहेगी नहीं रहेगी। तो ये हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को किसी अच्छी हॉस्टल का पता हो जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये अली मेडिकल के साथ ही ये जो ग्रे कलर का गेट है इसके अंदर जाएंगे। ये हॉस्टल है क्या है, लग तो अपार्टमेंट रहा है। और लेट्स सी, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हम लोग गूगल करके आए हैं। अब यहाँ गर्ल हॉस्टल, जिसका बहुत काफ़ी लोगों से हमने नाम सुना था कि ये एक प्राइवेट हॉस्टल है और बहुत अच्छी है। देखें जी, ये गेट के अंदर इस तरह से 3-4 ब्लॉक बने हुए हैं और ये पूरा जो है एक गर्ल हॉस्टल है। यहाँ पर मेल जो है अलाउ नहीं है, इनका थोड़ा सा स्टाफ है, बाकी सारी गर्ल्स हैं। चलें जी, ये सामने इनका ऑफिस है, ऑफिस के अंदर चलते हैं और लेट्स सी क्या बातचीत होती है और क्या डिसाइड होता है। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस बनाया हुआ है भाई, लग्जरी किस्म का ऑफिस है भाई, ज़बरदस्त, और बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई है भाई। ऑफिस देखे तो अंदाज़ा लग रहा है कि हॉस्टल भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से रूम होंगे, बंदा जो है ना, बच्ची जो है ना, हमारी सुकून से रहेगी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। और ये बहुत बहुत प्यारी तस्वीर है भाई, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उन्हें चलाया मजदूर है, वो मेन रोड भाई उस बंदे से सिंधी में तो अच्छी खासी गपशप हुई, लेकिन उन्होंने कहा पहले रूम देख लें उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं रूम के चार्जेस। और ये इनका एक फ्लोर है, यहाँ पे 6-7, 3-4 कमरे हैं और ये डबल रूम है आपका भी। अच्छा, फर्स्ट वो फ्री है साइड वाला। भाई ये देखिए, 2 बेड का रूम है जहाँ पे फैन नहीं है, स्टैंड फैन रखा हुआ है। और ये हालत है भाई इस कमरे की, यहाँ पे आके लड़कियाँ रहेंगी। और ये जी छोटा सा जो फ्रिज है ये लड़कियों का पर्सनल है, जिसको भी अपना फ्रिज रखना है वो खुद लेकर आएंगी। और ये डिस्पेंसर इनकी तरफ से है। अच्छा, ये एक वॉशरूम। ये जी छोटा सा इनका किचन बना हुआ है और साथ में है वॉशरूम। ये 4 बेड का रूम है जिसमें 4 लड़कियां रहती हैं और अटैच वॉशरूम है इनका। हाँ वो तो उन्होंने बता दिया, सिंगल भी है ना उनके पास। सही, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? आप डॉक्टर हैं? अच्छा माशाल्लाह, कहाँ से कर रही हैं? अच्छा, हाउस जॉब कर रही हैं अभी? अच्छा, कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। चले जी, अब हम लोग आगे 2nd फ्लोर पे। और ये जो सामने वार्डरोब है, हर एक लड़की को लॉक के साथ एक वार्डरोब मिलेगा। और ये है इनका कॉमन किचन और ये है इनका कॉरिडोर। और यहाँ पे 3-4 रूम है, हर एक रूम में 3-3 बेड हैं। और ये साफ सुथरा इनका किचन बना हुआ है। सामने है वॉशरूम जो इनका कॉमन वॉशरूम है और कुछ रूम में अटैच वॉशरूम है। एसी वाले भी रूम है लेकिन उसके अलग चार्जेस है। 25,000 में मील वगैरह सब कुछ है। इस कार्ड का जी स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को यहाँ आना है और रूम लेना है तो ज़रूर। और इसके बाद हम लोग आ गए इनके दूसरे ब्लॉक में जो कि 1-2 स्ट्रीट छोड़ के थी। ये गली की हालत देखें, यहाँ पे लड़कियाँ कैसे आ सकती हैं, कैसे रह सकती हैं, आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव। लेकिन बहरहाल चलते हैं हम इस
ब्लॉक के अंदर ये है जी इनका सेकंड फ्लोर, ये देखें इस तरह से इनका बना हुआ है। ये सारे रूम्स हैं लेफ्ट एंड राइट पे, इसमें टू बेड भी है, सिंगल बेड भी है और आगे जो है एक कॉमन वॉशरूम है। ये है जी इनका सिंगल रूम, देखें जी कितना छोटा सा है और ये छोटा सा फैन लगा हुआ है, कोई खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं, रूम स्टार्ट होते ही खत्म। और ये यहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि सिंध से थी और ये देखें जी इतना छोटा सा कमरा। फिलहाल तो भाई कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग आ गए भाई चाट और गोलगप्पे और समथिंग खाने के लिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और ये है इनका जी सिटिंग एरिया, अच्छा बना हुआ है, हम लोग आके बैठ गए क्योंकि थक चुके थे और परेशान थे कि भाई हॉस्टल का क्या होगा। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड, तो हमने ऑर्डर किया खौसा खौसा जो कि हमने कहा यहाँ का ट्राई करना चाहिए। और साथ में भाई ये चाट है, ये बन कबाब है, ये वाला ये अलग से खाया जाता है इस तरह से, लेकिन मैं इस तरह से खा रही है भाई। ये हैदराबादी जिसको हॉस्टल चाहिए ना, जिसने सबको परेशान कर रखा है, वो इस तरह से खाती है। और मैं खाऊंगी इसकी चाट चटपटी, खौसा आने वाला है भाई। इसकी चाट भी बहुत मज़े की है और ये देखें जी आ गया खौसा। खौसा इनका बहुत बहुत मज़े का था लेकिन थोड़ा सा टेस्ट चेंज लग रहा था मुझे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा था। और इनका जो बन कबाब था बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन बंस रोड का आज़ाद बन कबाब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसका व्लॉग देख सकते हैं मेरे ही चैनल रुक्षिक आइडियाज़ पे। और अब हम लोग जी पहुँच चुके हैं गुलिस्तान जौहर और यहाँ पे ये है जी यूनाइटेड हॉस्टल गर्ल्स के लिए है जो कि एक बेंगलोर में बनी हुई है। ये जी इनका रिसेप्शन है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके बाद इनके रूम देखेंगे। लेकिन इनके जो रूम ऑनलाइन दिखाए गए थे उसके बरस उनकी कंडीशन बहुत डिफरेंट थी भाई। तस्वीरों पे हम लोग चले जाते हैं और जब हम लोग रियल कंडीशन देखते हैं तो बहुत वर्स्ट होती है। और हमारे कराची के हॉस्टल की कंडीशन बहुत बुरी थी, कहीं पे रूम अच्छे थे तो बाथरूम बहुत गंदे थे। वहाँ की जो स्टूडेंट्स थी, वहाँ की जो लड़कियाँ थी, उन्होंने बहुत शिकायत की। और ये देखें इस लड़की को किचन में रूम बना के दे दिया गया है, दो बेड इन लोगों ने किचन में रख दी है जो कि दो लड़कियों के लिए है। और बहुत बेचारी मजबूरी से रह रही थी, सबने वॉशरूम की बहुत शिकायत की और बुरी हालत थी रूम की। ऑनलाइन इन्होंने इतनी अच्छी तस्वीरें रखी हुई थी और हकीकत का हाल ये है। और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हॉस्टल के, दो दिन से पढ़ा रहे हैं कराची वाले किसी काम के लिए, एक हॉस्टल नहीं ढूंढ सकते हमारे भाई। ये शिकायत मत करें, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं भाई, कराची जिंदाबाद। बहरहाल जी हमें कुछ कहीं भी समझ नहीं आया क्योंकि कहीं पे पानी नहीं था, कहीं पे रूम की कंडीशन अच्छी नहीं थी, कहीं पे फैन नहीं थे, कहीं पे लाइट का मसला था और लड़कियां वॉशरूम की शिकायत कर रही थी। ओवरऑल जी बहुत बुरी कंडीशन थी हॉस्टल्स की, तो हम लोगों ने रूम रिजर्व नहीं करवाया। किसी को अच्छी हॉस्टल की मालूमात हो या फिर कहीं अच्छी जगह रूम मिल सकता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, लाइक एंड फॉलो।